हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे सब लोग। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में आपको हम काफ़ी काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं। तो आप लोग ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा और चलते हैं, रेडी होते हैं, क्योंकि अभी हाफ रेडी हुए हैं। अभी स्वेटर भी नहीं पहना है, एंजल को भी रेडी करना है, बाकी लोग भी रेडी हो जाएँ, हस्बैंड भी शॉप से आ जाएँ, फिर इसके बाद निकलते हैं। और ये अंजल अपने कपड़े लिए हुए, पहनना नहीं है, सिर्फ रखना है पास में। पहनना है। कहाँ चलोगे अब? सर दर्द सही हो गया? अभी तो कर रहा था दर्द। नहीं कर रहा था। नहीं कर रहा दर्द, पहना दे कपड़े। चलो पहना देते हैं। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, बाकी लोग भी रेडी हो चुके हैं। देखिए हस्बैंड भी, अंजल भी, अंजल भी रेडी हो चुकी है, मुस्कान बाहर है, और वो रही हमारी बाइक, मुस्कान पहले से बैठी हुई है। चलो बैठो फटाफट। चलो ये रही हमारी बाइक, चलते हैं हम लोग स्कूटी, और आपके लिए प्यारा सब लोग बना के लाते हैं। हम आ चुके हैं फाइनली। जो इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं वो यही पेड़ है, पीछे आप देख पा रहे हो। तो कैमरा बैक करके हम आपको दिखाते हैं, ये वही पेड़ है, ये पारिजात का पेड़ है। तो आपको हम कैमरा बैक करके दिखाते हैं अच्छे से। फ्रेंड, ये यहाँ पे पेड़ है, बहुत कम लोगों को पता है, यहाँ के लोगों को ही नहीं पता है। फ्रेंड, पहले भी हम एक बार आ चुके हैं, हमें भी यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर पेड़ है, लेकिन यहाँ पर जब आए तो हमें भी यकीन हो गया। फिर आपको कैमरा बैक करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड, ये है पारिजात का पेड़, जो मतलब भारत में बहुत ही कम, भारत में क्या पूरी दुनिया में शायद बहुत ही कम देखने को मिलता है ये पेड़। और जो है फ्रेंड, इसमें अभी जो है पत्तियां नहीं लगी हुई है, शायद पतझड़ का मौसम चल रहा है, इस वजह से गिर गई। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कुछ, आप पढ़ सकते हैं चाहो तो। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पारिजात वृक्ष का इतिहास। तो यहाँ पर हम कैमरा थोड़ा सा रोक देते हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। फ्रेंड, जो है किसी को यकीन नहीं हो रहा था, अगर बाकी हम जाते थे बताते थे तो किसी को यकीन नहीं होता था कि यहाँ पर है। तो ये वीडियो खासकर हम इसीलिए बना रहे ताकि लोगों को पता चले। और ये इसका गेट है अंदर जाने का, ये देखिए। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अंदर भी ठीक ठीक बना हुआ है। अगर पत्तियां लगी हो तो और भी बढ़िया लगे, लेकिन अभी जो है पतझड़ का मौसम चल रहा है, इस वजह से पत्तियां नहीं हैं। काफी मोटा भी है ना। तो फ्रेंड, आज के ब्लॉग में हमें आपको यही दिखा रहा था पारिजात का पेड़। फ्रेंड, जैसा कि वीडियो में हमने बताया, ये जो है भारत में बहुत ही कम पाया जाता है, और फ्रेंड ये हमारे बछड़ाओं में है, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। तो इसीलिए जो है हमने खास करके ये वीडियो बनाया और सबको भेजेंगे, ताकि सबको यकीन हो इसके बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जाने इसके बारे में। तो फ्रेंड, हमने आज जो है ब्लॉग में आपको यही दिखाया, पारिजात का पेड़, अगर आप आसपास से हैं तो। तो फ्रेंड, सभी लोग आए हम और पारिजात के पेड़ को देखा, काफ़ी अच्छा लगा। पहले भी आए थे, लेकिन आज आए काफ़ी दिनों बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप पहली बार ये चीज़ देख रहे हो यहाँ बछड़ाओं में, या फिर पहले भी देखा है। तो अगर आपको पहले से पता है तो भी बताइएगा, अगर नहीं पता है तो ज़रूर बताइएगा, और आइएगा देख कर जाइएगा। ये हमारे बछड़ावा में है, बछड़ावा रायबरेली यूपी में। अगर आसपास से आप बिलोंग करते हो तो आप ज़रूर आइएगा, नहीं पता है। तो फ्रेंड, निकलते हैं और अभी जाइएगा नहीं ब्लॉग में, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है ब्लॉग में, काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। आ चुके हैं अपने शारदा नहर पे, ये हमारे बछड़ावा से मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है।
ये देखिए सब लोग इधर खड़े हुए हैं, देखने हैं इधर पानी है, बहुत सारा भरा हुआ है पानी, बहुत ही बड़ा नहर है। देखिए कैमरे में आपको इतना दिखेगा ना, इतना ज़्यादा बड़ा है और पानी तो कहाँ तक भर जाता है, तो फिर भी कम है। देखिए ये गाड़ियाँ आ जा रही हैं सरासर से, इधर भी आपको दिखाते हैं, ये हमारे बछड़ाओं को चली गई है और ये इधर सिवगढ़ हमारे माइकों को गई है। और इधर देखिए, इधर तो सूखा हुआ है, इधर आगे तो जा नहीं सकते, डर लगता है वैसे भी हमें पानी से बहुत ही ज़्यादा। और ये सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, कुछ पत्थर वत्थर फेंको नहर में। तो फ्रेंड देखा आपने, काफ़ी मतलब यहाँ टूटा हुआ है, थोड़ा डर लगता है, काफ़ी बड़ा नहर है, बहुत है। लगता है फ्रेंड यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी भी शायद पानी में चली गई है। देखिए किस तरह से टूटा हो गाड़ी की, जो है पहिया भी टूटी हुई पड़ी है। फ्रेंड निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकते, गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा चलती हैं यहाँ पे। तो अभी आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, यहाँ पे क्या खाने वाले हैं, समोसा और कुछ, बस समोसा खाना है। तो समोसे ऑर्डर कर दिए गए हैं, आ रहे हैं। इधर मुस्कान बैठी हुई है, समोसे का इंतजार कर रही है ना मुस्कान। तो समोसे आ गए हैं, देखिए सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, तो हम भी खाते हैं। सबसे ज़्यादा तो तीखी वाली चटनी ही कर दी है, बहुत ही ज़्यादा तीखी है चटनी, मीठी वाली बहुत तीखी है चटनी, तो खाते पेड़। तो फ्रेंड अभी खाना पानी हो गया है, अब निकलते हैं घर के लिए। फ्रूटी चाहिए ठंडी में, आ जाओ दिलाते हैं, पैसे देते हैं ना। क्या चाहिए? फ्रूटी चाहिए। कितनी बड़ी? छोटी सी। तो फ्रेंड अभी आ चुके हैं घर पे और आज बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। और आपके लिए जो है फ्रेंड कोशिश किया कि अच्छा सा अच्छा ब्लॉग बनाए, और कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश करें हमेशा। तो फ्रेंड उम्मीद करेंगे कि आज का ब्लॉग आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फ्रेंड लास्ट में यही कहेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल।